अतीक अहमद कब उतरा, अतीक अहमद पे दबाव बन गया है, अब अतीक अहमद पेशाब कर रहा है। व्हील चेयर पे हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, बच्चों को गोद में लेके डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स का धर्म क्या है? ऐसा है साहब, सेवा करते हैं साधु संत, धंधा करते हैं व्यापारी, और सेवा का धंधा करते हैं पॉलिटिशियन। डॉक्टर सिर्फ अपना पेशा करता है पूरी जिम्मेदारी से, और उसके लिए उसको पूरा राइट है कि वो अपनी सर्विसेज के लिए पैसा चार्ज करे। ये सबसे बड़ा झूठ है कि चिकित्सकों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया। उसे कितना पैसा मिलता था, वो बेचारे रोते रहते थे, 20% पैसा 2 साल बाद मिलता था। आज तक जयपुर के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने छापा ही नहीं है इसको। डॉक्टर को भगवान नहीं बनाए समाज, डॉक्टर को डॉक्टर ही रहने दे। अगर राइट टू रोटी है तो क्या आप रामबाग में जाके नाश्ता कर लेंगे बैठ के और कहेंगे मेरा तो राइट टू रोटी है? साहब मैं नहाता रहा और अंत में सिर्फ चक्के स्वाद बताना रह गया था। 24 घंटे आप जिसको मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिम्मेदार मीडिया, सच के पहरेदार, हल्ला बोल, वो सब लोग 24 घंटे अतीक अहमद कब उतरा, अतीक अहमद पे दबाव बन गया है, अब अतीक अहमद पेशाब कर रहा है, आप कैमरा वाले 15-15, 20-20 कैमरा वाले उसको सुसू करते हुए दिखा रहे हैं। ये मूत्र राजनीति और मूत्र पत्रकारिता चल रही है। डॉक्टर्स भूखे प्यासे, भूख में बिल बिलाते, व्हील चेयर पे हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, बच्चों को गोद में लेके डॉक्टर्स थे, लेडीज थी, चिलचिलाती धूप के अंदर पहली बार राजस्थान के इतिहास में इतनी रैलियां हमने देख ली, ना कोई वकीलों की, ना शिक्षा मित्रों की, ना सरकारी कर्मचारियों की, ना पॉलिटिकल, बिना किसी पैसे के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में, हम एग्जिस्टेंस की फाइट है उसके लिए वो लोग आए। और क्लीनिनेस, पहले मीडिया ने क्या चलाया, पिछली बार डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्कल गंदा कर दिया, मेरी खुद की वाइफ ने, डॉक्टर शालिनी ने, डॉक्टर सचिन ने, लगातार हम सड़क को बीनते हुए गए हैं, एक बॉटल हमने वहां पे नहीं छोड़ी है। आप हमको बता रहे हैं, हर आदमी इस समय एक बात कर रहा है कि डॉक्टर्स का धर्म क्या है? ऐसा है साहब, सेवा करते हैं साधु संत, धंधा करते हैं व्यापारी, और सेवा का धंधा करते हैं पॉलिटिशियन। डॉक्टर सिर्फ अपना पेशा करता है पूरी जिम्मेदारी से, और उसके लिए उसको पूरा राइट है कि वो अपनी सर्विसेज के लिए पैसा चार्ज करे। एक सिंपल जवाब का आप उत्तर दे देना मुझे। आप एक चैनल के लिए काम करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फ्री दिखाइए, फ्री क्यों नहीं दिखाते हैं आप, है कि नहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन? अपनी सेवाएं आप फ्री दीजिए। दूसरी चीज आप सेवा की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा, एक भी डॉक्टर, जो दिन में कम से कम 10 से 12 मरीज या राजनीतिक मरीज, राजनीतिक पत्रकार, मित्र, नोन पहचान वाले, उनको फ्री इलाज ना देता हो, एक भी नहीं होगा। और आप आज अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो कि क्या कभी, अगर आप एक डॉक्टर से पहचान है तो क्या आपने उसे कभी रात को 11 बजे जगाया कि नहीं कि मेरा बच्चा रो रहा है, या मेरे को दस्त लग रही है, या मेरे पेट में रोड़ी उठ रही है, और उस डॉक्टर ने पैसे मांगे आपसे? आपने मीडिया में पेंट करी है कहानी, ये पेंट करी है। अब आप दूसरा सच जानना चाहते हो? दूसरा सच ये है कि जिसको आपको, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे जनता दरबार है, पिछले 24 घंटे में हमने अमित को लेकर कोई भी न्यूज नहीं दिखाई, हम पिछले 3-4 दिन से सिर्फ आप लोगों को कवरेज कर रहे हैं। थैंक यू सर। उसके बाद मैं आपको दूसरी सबसे एक लास्ट, अतीक अहमद को लेकर हमारी जनता दरबार ने एक भी नई न्यूज नहीं दिखाई, यूट्यूब चैनल है, एक भी नहीं दिखाई हमने पिछले 3-4 दिन से। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं सब जो हमसे कनेक्ट है, 3-4 दिन से एक भी हमने न्यूज नहीं दिखाई, सिर्फ जनता दरबार आप लोगों को दिखा रहा है। ये बात भी साथ में दिखा दीजिए, बड़े आराम से सब कोस रहे हैं डॉक्टर्स को। क्या आप एक सच जानते हैं कि राजस्थान का 75% हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट के हाथ में, पहला नंबर एक। नंबर दो, कल की घटना सुन लीजिए, मेरे मित्र हैं बता रहे थे, उनके सामने वाले कोई प्रोफेसर हैं गिर गए सिंगापुर में, उन्होंने उनसे $16,000 सिंगापुर डॉलर मांगे छोटे मेलियोलस फ्रैक्चर के लिए, जिसके लिए वो पूरे फ्लाइट पकड़ के जयपुर आ गए, बोले कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हड़ताल है तो हड़ताल टूटेगी तब करा लूंगा मैं, लेकिन यहीं कराऊंगा। बोले डॉक्टर साहब यहाँ क्या लगेंगे, उन्होंने कहा यहाँ तो 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे। बताइए आप, ये सच कोई नहीं बताएगा, कोसना कितना, जिस इलाज को, जिस डॉक्टर को और जिस कंसल्टेंट को आप यहाँ 100, 500 या 200 रुपये दे करके कंसल्ट कर लेते हैं, अगर आप अमेरिका में हो, अगर आप इंग्लैंड में हो, NHS, अगर आप नाम सुनो नेशनल हेल्थ स्कीम ज्वाइन की, उसमें महीनों निकल जाएंगे, महीनों, आपको या तो MRI नहीं होगी, आप एक माइग्रेन से तड़पते रहेंगे, आपको खुजली हो गई तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते, यहाँ आप चाहें तो HOD को दिखा के आ सकते हैं। ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना प्राइवेट हेल्थ केयर की, ये स्ट्रेंथ है इस स्टेट की, इसलिए बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको यहाँ एक्सेसिबल है, आप उसे 50, 200, 100 रुपये जो भी अपनी फीस है वो दे के दिखा सकते हैं, और आपको आज सोनोग्राफी करानी आप करा सकते हैं, CT scan कराना करा सकते हैं, MRI कराना करा सकते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम वन ऑफ द फाइनेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, फाइनेस्ट, और क्यों है? सिर्फ और सिर्फ निजी की वजह से। आप चेक करके बता दो मुझे कौन सी प्राइवेट में LASIK लग रही है, कौन सी प्राइवेट में MRI लग रही है, कितनी लग रही है आपकी सरकारी में,
लेवल देखिए, करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉक्टर, अपनी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एवरेज डॉक्टर 12 से 15 साल पढ़ता है, इतना नॉलेज वो गेन करते हैं, अपने खर्चे पे नॉलेज सीख के आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में वो करते हैं, वो सब की कॉस्ट आप सोच रहे हो, समबडी विल वॉक इन डू इट। अब उससे बड़ी बात जो सब लोगों ने अभी तक किसी ने नहीं की, इमरजेंसी अनडिफाइंड है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, एक बच्चे को आप लेके आते हैं, क्या बुखार इमरजेंसी है, उत्तर दे सरकार इसका, जी हाँ पीडियाट्रिशियन के लिए अगर फीवर फेब्राइल सीजर में कन्वर्ट होता था इमरजेंसी है, बाकियों के लिए नहीं है। अब तीसरी बात सुनिए, मान लीजिए नामित चिकित्सालय भी है, मान लीजिए हमारा चिकित्सालय है जो अस्पताल में पैनल्ड है और पीडियाट्रिक है, आप क्या करेंगे, एक एमआई के हार्ट अटैक वाले पेशेंट को लाके क्या पीडियाट्रिक कॉट पे लिटा देंगे कैसे, और नहीं है हमारे पास तो एम्बुलेंस, अब क्या करेंगे, क्या उस मरीज का समय खराब करेंगे। समझें इस बात को, एक एवरेज जो आम आदमी होता है ना, उसको इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है कि अगर मुझे पेशाब में जलाना है तो मुझे किसको दिखाना है, और अगर मैंने खुजली है तो किसको जगाना है। लेकिन इस राइट टू हेल्थ के नाम से पूरे राजस्थान में एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और हमें हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम भ्रमित हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि पूरे कॉमन मैन को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े ऐड निकाले जा रहे हैं, ये लिखा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है 2023 का जो चुनाव आ रहा है उसके प्रचार के हिसाब से अपना ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है, सब जानते हैं। ये सरकार पहले 5 साल से थी, क्या ये आते ही नहीं बना सकते थे। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा झूठ है कि चिकित्सकों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया, अगर लिया गया होता तो 1,00,000 लोग सड़क पे निकल के नहीं आते। और आप अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनिए, जिसके लिए और लोग चिकित्सकों का साथ दे रहे हैं, एक एवरेज प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम वाला जो है 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हेल्थ केयर देता है, कितनी नर्सों के, कितने पैरामेडिक्स के, कितने रिसेप्शनिस्ट के चूल्हे हमारी कमाई से जलते हैं। अगर आप हमारी पेट पे लात मारेंगे, हमको फोर्स करेंगे फ्री सर्विसेज के लिए, तो वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जो जनता को अभी तक समझ नहीं आ रहा था वो अब आ रहा है कि अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को मारते हैं तो उसका पहला नुकसान तो ये होगा कि मरीज को जो स्थिति इस समय राजस्थान भुगत रहा है ये परमानेंट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट बिल वापस नहीं ले तो फिर गवर्नमेंट अगर बिल वापस नहीं ले गवर्नमेंट तो डॉक्टर्स आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? सरकार को ये बिल वापस लेना होगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सरकार को ये अंदर खाते पला चल चुका है। अब एकमात्र बात ये रह गई है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर अ रेस्पेक्टेबल एग्जिट स्ट्रेटेजी। सरकार सिर्फ ये मौका ढूंढ रही है किस प्रकार से अपनी हेटी भी ना हो और अपनी बात भी रह जाए और किस तरह से अपन इससे बाहर निकले, इतनी सी सच्चाई है। क्योंकि इनमें से ये आंदोलन हर एक व्यक्ति का आंदोलन है, हर एक डॉक्टर का आंदोलन है। अब आपको क्या लग रहा है, आंदोलन और उग्र होगा या फिर बाद में? आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन रुक ही नहीं सकता, कल की भीड़ में बता दिया है और कल की भीड़ की खबर दबाने की जब उसने बता दिया है कि कितना सरकार डरी हुई है और कितना सरकार इस बात से परेशान है कि 1,00,000 लोग बिना कहे यहाँ अगर सड़क पे कल इकट्ठा हो गए, इतनी शालीनता से, इतनी सौम्यता से, इतने अनुशासन से, बिना कोई रैली में उपद्रव किए चुपचाप से लोग चल के गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे और सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। ये सरकार सोच ले कि अगर 1,00,000 लोग आज एक बार में सड़क पे आ गए हैं तो अंदर कितना गुस्सा लोगों का उबल रहा होगा। सरकारी डॉक्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं? मन से वो हमारे साथ हैं, उनकी मजबूरियां हैं, 2 घंटे वो पेंडाउन ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बहुत संभव है कि वो हमारे साथ आ जाए। कल का शायद तो अगर सरकारी हॉस्पिटल वाले भी साथ आ जाएंगे तो फिर मरीजों का कैसे? सर ये सरकार इस बात का जवाब दे कि ये जो सारी परिस्थितियां उनके कारण हुई है, अगर सरकार की मंशा अच्छी होती ना तो वो 5 साल पहले ये बिल लाती, चुनावी वर्ष में 6 महीने पहले, जब इनके पास बजट नहीं है आरटीएच में डालने के लिए। आज कहते हैं हम रीएम्बर्समेंट करेंगे, रीएम्बर्समेंट कहाँ से करेंगे, इनके पास बजट तो है ही नहीं। चिरंजीवी के तो लोगों के इतने पैसे बकाया है और ये इनके पास बजट नहीं है, सिर्फ लोगों को जनता के वोटों के लिए हम ये बिल लेके आए, उन्होंने तो ओपनली बोला है ये बात। प्रसादी लाल मीणा जी ने, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ओपनली बोली है ये बात, पब्लिकली बोली है ये बात, तो ये अपने वोटों के लिए जनता को परेशान कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते थे उनके लिए स्कीम हुआ करती थी वो रिम्बर्स करा ले, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से जाके पूछिए, वो 2 साल उसको चप्पल घिसते हुए निकल जाते थे और उसको 30-40% बिल मिलता था। उसके लिए फिर सरकार ने क्या किया, वो जिम्मेदारी लाद दी हॉस्पिटलों के कंधों पर। अब उनको तो कह दिया कि फ्री आप करा लो, हम हॉस्पिटल को पैसा हम देंगे, अब वो पैसा हॉस्पिटल्स को नहीं मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, आप किसी पुराने सरकारी कर्मचारी से जाके पूछिए उसे कितना पैसा मिलता था, वो बेचारे रोते रहते थे 20% पैसा 2 साल बाद मिलता था उन्हें, यही होने वाला है। कि मरीजों के खाते में डलवा देना, वो यहाँ पे पेमेंट करे और मरीजों के खाते में वो डलवा दे, मरीज दे दे,
देखो सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बोलूं, जो सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है ना, तो आज मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी पूरी फैटर्निटी की जिम्मेदारी लेते हुए एक बात कहूंगी जिससे सब राजी होंगे कि जब भी किसी डॉक्टर को लगता है ये रियल इमरजेंसी है, डॉक्टर अपना सब कुछ भूल जाता है, वो अपना तन मन धन। आज जब मेरे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है और मुझे लगता है ये पेशेंट पल्सलेस बीपीलेस है, मेरा स्टाफ भाग के मेरे मेडिकल से एड्रेनलिन डिफिब्रिलेटर भाग भाग के लाता है, जो भी जरूरी होता है। एक डॉक्टर का बीपी पहले बढ़ता है, डॉक्टर के अंदर एंडोरफिन सीरोटोनिन पता नहीं क्या क्या सीक्रेट हो जाता है जब रियल इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी वर्ड ओनली कैन डायग्नोज बाई ए डॉक्टर विच इज स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड। सरकार कौन होती है इमरजेंसी डिफाइन करने वाली? इमरजेंसी केवल और केवल वो डॉक्टर जान सकता है। अगर एक मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मैं अपनी फील्ड की बात करती हूँ, अगर एक पेशेंट फुल डायलिटेशन में और चिल्ला रही है, पेन हो रही है पर अच्छी क्राउनिंग हो रही है, अच्छा डिसेंट हो रहा है, तो एक डॉक्टर जानती है कि ये ठीक चीज है। मरीज के रिश्तेदारों के लिए तो वो इमरजेंसी है। तो आप अपने फील्ड के बारे में बेटर जानते हो या सरकार के वो आईएएस जिनको मेडिकल फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, या वो नेता जो पांचवी या दसवीं पास भी नहीं है? सरकार इसको कैसे डिफाइन करेगी कि इमरजेंसी होगा या नहीं? हमें बता रही है ना इमरजेंसी। चाहिए कि सरकार अगर हैरिसन साथ में भी लगा देना तो भी इमरजेंसी डिफाइन नहीं हो सकती। ये सच है, सबसे बड़ा इसको समझ ले। एक डॉक्टर अपने विवेक से, अपने तर्क से, अपनी शिक्षा से डिसीजन ले लेता है क्या इमरजेंसी और क्या नहीं इमरजेंसी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ना समझाए। दूसरा, ये जो एक फेक नैरेटिव आप लोगों ने चला रखा है सब तरफ कि जब हम अपने धर्म से चूक गए, हमें अपना धर्म भली भांति मालूम है। हमारा धर्म वो था जब 19 महीने तक तमाम आपके राजनीतिज्ञ कमरों में घुसे बैठे थे, बाहर नहीं निकले थे, तब हम लोग लोगों की छींक और खांसी के बीच में खड़े होकर कोविड में इलाज कर रहे थे। डॉक्टर एक टिश्यू पेपर नहीं है कि उसको वाइप कर लिया और थ्रो कर दिया। डॉक्टर्स को आपको रेस्पेक्ट करना होगा और डॉक्टर्स की बात को मानना होगा, क्योंकि हमें हमारा धर्म पूरा पता है। हम जब सोते हैं ना तो इस चैन से सोते हैं कि हम किसी की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव करके सो रहे हैं। हमारे कॉन्शियस पे कोई बोझ नहीं है। कॉन्शियस पे बोझ उनके है जो खबरें चलाते हैं उल्टी सीधी, या उनपे है जो दबाने की कोशिश करते हैं। आज देख लीजिए प्रिंट मीडिया ने क्या किया है, पूरा दबा दिया इस खबर को। आज तक जयपुर के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने छापा ही नहीं है इसको। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, सब मजबूर है इस समय। लेकिन एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर्स को एक लिमिट के बियॉन्ड मजबूर नहीं किया जा सकता। और हमें हमारे मरीजों के प्रति हमारा जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो पूरी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर दूं, इसमें से हर व्यक्ति के माध्यम से अपील कर रहा हूं, मार्मिक अपील है, हमको किसी के पेट में दर्द देख के बहुत उतना ही दर्द होता है जितना उसको हो रहा है। हम मजबूर हैं और हमें इस सरकार ने सड़क पे ला करके खड़ा किया है, और अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को पकड़ के पूछे कि क्यों तुम्हारी वजह से मेरा डॉक्टर आज मजबूर है और सड़क पे जा चुका है। अब ये जनता, ये आंदोलन दूसरे फेज में अगर चला गया तो जिनके वोट आप बटोरना चाह रहे थे वही आपके पीछे भाग के आपसे पूछेंगे कि क्यों आप डॉक्टर्स को इतना मजबूर कर रहे हो, जो कोविड में जान की परवाह किए बिना जिन्होंने अपनी ड्यूटीज दी है। कितने लोगों डेथ्स भी हुई है, कितने डॉक्टर कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा कर भी डॉक्टर को भगवान नहीं बनाए समाज, डॉक्टर को डॉक्टर ही रहने दे और वो अपने इंसानियत के हिसाब से अपनी सेवा समाज की करता रहे, वो प्रोफेशनली करें और समाज की सेवा करते रहें। कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है हम, और नॉर वी डोंट वांट टू बी गॉड, भगवान नहीं बनना चाहते हम। वी आर नॉट रॉन्ग, ये समझे प्लीज। अगर अगर जनता, सरकार और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छी सर्विसेज चाहता है तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि ही हैज टू पे अ फी, बिकॉज देयर इज समबडी हु इज पेइंग अ फी। देयर इज नथिंग एज अ फ्री लंच। अगर राइट टू रोटी है तो क्या आप रामबाग में जाके नाश्ता कर लेंगे बैठ के और कहेंगे मेरा तो राइट टू रोटी है? देखिए साहब, जनता की अगर रोटी का अधिकार देती है सरकार किसी को, तो वो ये अधिकार नहीं देती कि मेरी रोटी छीन के उसके मुंह में दे दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको अलग से रोटी दे। सरकार अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाए। नहीं कर सकती तो प्राइवेट डॉक्टर्स को अपनी एड़ी के नीचे कुचलना बंद करे। दिस कैन नॉट हैपन दैट यू वेक अप वन फाइन मॉर्निंग एंड से चलो आज एक कानून बनाते हैं अपन डॉक्टर ऊपर। ये नहीं चलेगा। लेजिस्लेटिव टेररिज्म इन दिस कंट्री हैज टू स्टॉप। थैंक यू।